फाइनली दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में न्यूली लॉन्च 2023 की सुजुकी जिक्सर 150 ABS के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले आप इसके कलर को देख सकते हैं, ये इसका रेड एंड सिल्वर कलर है। दूसरा बगल में खड़ा इसका ब्लैक एंड लेमन ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन वाला कलर। इस बाइक में कंपनी ने क्या क्या अपडेट दिए हैं, माइलेज, टॉप स्पीड और ऑन रोड कीमत कितनी है, जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आप बाइक के फ्रंट में देखेंगे तो इंडिकेटर इसमें आपको बल्ब वाले मिलते हैं, LED वाली टेल लाइट मिल जाती है जो कि स्प्लिट में दी गई है, और सेंटर में आपको मिलती है हाई बीम और ऊपर में और नीचे में लो बीम है। यहाँ पर आपको दिया गया है नंबर प्लेट और ग्लॉसी रेड कलर का आगे वाला वाइजर है, और आगे वाला जो मडगार्ड है वो आपको प्लास्टिक बॉडी का मिलता है जो कि काफ़ी चौड़ा है। 280 mm के आसपास डिस्क मिलती है, सिंगल चैनल ABS, बाइब्रे के कैलिपर, 80-17 के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, और एलॉय व्हील के ऊपर में रेड कलर के स्टिकर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इसके फ्यूल टैंक के काउल के ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊपर में आपको मिलता है रेड कलर ग्लॉसी में, और यहाँ पर आपको सुजुकी का 3D में लोगो, और साइड में आपको मिलता है जिक्सर का स्टिकर, और बड़े बड़े ग्राफिक्स भी आपको जिक्सर के मिल जाते हैं जो कि थोड़े से इनविजिबल आपको लगेंगे। टोटल बाइक में फाइबर बॉडी का यूज किया गया है, 12 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलती है। राइड कनेक्ट एडिशन मतलब कि इसमें अब आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। इस बाइक की जो हैंडल बार है वो आपको नॉर्मल मिलती है, और इसकी जो चाबियां हैं वो भी आपको नॉर्मल मिलती हैं। फुल डिजिटल मीटर कंसोल का सेटअप मिलता है, पूरा मीटर नया है। साइड में आपको कुछ इंडिकेशन की वार्निंग देखने को मिलती हैं ज़रूरत के हिसाब से। अब इसमें आपको रियल टाइम एवरेज इंडिकेटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, ऑटोमीटर, ट्रिप मीटर, RPM मीटर, फ्यूल गेज और डिजिटल क्लॉक मिलती है। यहाँ पर ब्लूटूथ आई कनेक्ट की एक लाइट है वाइट कलर में, देख सकते हैं, और ऊपर में चेक इंजन की लाइट है। और इसके साथ ही ये जो बाइक है अब आपको देती है 120 की टॉप स्पीड और 45 के MPL का माइलेज। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ इसमें आपको SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट जैसे यहाँ पर आपको फीचर्स मिल जाते हैं। साथ में आपको वोल्टेज मीटर मिल जाता है, और इसके साथ इसमें आपको मिलता है सर्विस ड्यू रिमाइंडर की वार्निंग। इस बाइक के जो स्विचेस हैं वो यहाँ पर आपको पासिंग, अपर डिपर, इंडिकेटर और हॉर्न का दिया गया है। बाकी ये जो मिरर हैं वो भी काफ़ी स्टाइलिश दिए गए हैं। अभी हम चलते हैं बाइक के सीट कंफर्ट की तरफ। तो इसमें आपको स्प्लिट सीट मिल जाती हैं राइडर पिलियन के बेहतरीन कंफर्ट के लिए, जिसमें 795 mm की सीट हाइट मिलती है। साइड बॉडी पैनल आपको ड्यूअल टोन कलर में मिलता है, जिसके ऊपर में SEP का स्टिकर दिया गया है। ये जो काउल है वो आपको सिल्वर कलर में ग्लॉसी का मिलता है। ऊपर में स्प्लिट ग्रैब रेल मिल जाते हैं जो कि रेड कलर में दिए गए हैं। पीछे में LED वाली टेल लाइट दी गई है, हैलोजन इंडिकेटर और 3 यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिलते हैं। पीछे वाले टायर के ऊपर में बड़ा सा टायर हगर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको मिलता है 140-60-8-17 का रेडियल ट्यूबलेस टायर, 240 mm की डिस्क मिलती है। पीछे में ABS नहीं दिया गया है, और यहाँ पर आपको स्विंग आर्म एडजस्टेबल सस्पेंशन, ट्विन बैरल एग्जॉस्ट मिलता है ड्यूअल टोन कलर के मफलर गार्ड के साथ, और साइड में भी आपको मफलर गार्ड मिलता है क्रोम का मेटल बॉडी के साथ। इसके साथ ही बाइक का कर्व वेट है 141 kg। इसके जो फुटपैक्स हैं वो थोड़े से पीछे की तरफ आपको मिलते हैं, और बाइक में 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, और इसमें 1 लीटर इंजन ऑयल आता है। इंजन ऑयल की क्वालिटी को यहाँ से चेक कर सकते हैं, किक इसमें आपको नहीं मिलती है। यहाँ पर कैटालिटिक कन्वर्टर दिया गया, FI सिस्टम के साथ बाइक आती है। इसका जो इंजन है वो एयर कूल्ड है। इसमें 155 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक BS6 FI इंजन दिया है। ये इंजन 13.6 PS की मैक्स पावर देता है 8000 RPM पर, 13.8 Nm का टॉर्क पैदा करता है 6000 RPM पर। बाइक में आपको 5-स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है। 1 लीटर पेट्रोल में ये बाइक आपको लगभग 45 से लेकर 50 के बीच में माइलेज देती है। यहाँ पर आपको कोई भी रेडिएटर कूलिंग सिस्टम नहीं मिलता है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। बाइक के दूसरी प्रोफाइल की तरफ चलते हैं तो यहाँ भी आपको सेम ग्राफिक्स और सेम स्टिकर मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको मिलता है लेडी प्लेन की सेफ्टी और कंफर्ट के लिए ब्लैक कलर का साड़ी गार्ड और एडजस्टेबल फुटबैक्स मिलते हैं जो कि एल्यूमिनियम के हैं। इस बाइक का जो चेनसेट कवर है वो आपको ओपन मिलता है प्लास्टिक बॉडी के साथ, और इसमें आपको मिलता है 5-स्पीड गियर बॉक्स का सेटअप। बाइक में आपको 5 गियर मिल जाते हैं, और साथ में आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर का फीचर्स मिलता है जो गियर की पोजीशन में काम करता है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इस बाइक को स्टार्ट करने के लिए आपको क्लच को दबाना पड़ेगा, चाहे बाइक गियर में हो या फिर गियर में ना हो। अगर बाइक का साइड स्टैंड डाउन होता है, अगर आप बाइक को गियर में स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट नहीं होगी। अब हम बात करें बाइक के प्राइस के बारे में, तो सुजुकी जिक्सर 150 ABS की एक्सोरूम कीमत है 1,42,961 रुपये, और इसकी ऑन रोड कीमत है 1,75,407 रुपये।
अनिमेष सुजुकी BIP रोड कोलकाता शोरूम की मैंने आपको बताई है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।